हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द बैक एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर ग्रोइंग अप। नाउ फर्स्ट ऑरल क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसकी आज बैक एक्सरसाइज करेंगे जो हमने थर्ड चैप्टर रीड किया था ग्रोइंग अप। तो हमने इसमें क्या देखा था कि ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रोस करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं ट्री में, बॉय ग्रो इंटू अ मैन, अ गर्ल्स ग्रो इंटू अ वोमेन, ऐसे ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रोस करते हैं। ऐसे ही हम फर्स्ट ऑरल क्वेश्चन रीड करते हैं, व्हाट डज अ प्लांट बिकम आफ्टर ग्रोइंग। तो प्लांट बिकम आफ्टर ग्रोइंग, ग्रोइंग के बाद प्लांट किस रूप में होता है, ट्री। तो राइट कीजिए आंसर, ट्री, टी आर डबल ई, ट्री। सेकेंड, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ बॉय, बॉय की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, बेबी। बॉय की फर्स्ट स्टेज क्या होती है बेटा, बेबी। नाउ बी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आर यू टॉलर नाउ देन वी आर बॉर्न, क्या आप अपने जब आपका बर्थ हुआ था उससे बड़े हो रहे हो। ऑफकोर्स यस, इसका आंसर आएगा यस। आप अपने बर्थ के टाइम की अपनी पिक को उठा के देखो और अपने आप को अब देखो, आप अपने आप में क्या हो रहा है, आप बड़े हो रहे हो, लंबे हो रहे हो आप। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी अ बॉय आफ्टर ग्रोइंग, बॉय ग्रोइंग होने के बाद क्या बनता है, अ बॉय ग्रोज इंटू अ मैन, बॉय ग्रोज इंटू अ मैन। व्हाट वुड बी अ गर्ल आफ्टर ग्रोइंग, अ गर्ल ग्रोज इंटू अ वुमेन, अ गर्ल ग्रोज इंटू अ वुमेन। व्हाट बिकम अ प्लांट व्हेन इट ग्रोज, प्लांट ग्रो होने के बाद क्या होता है, अ प्लांट्स बिकम, अ प्लांट्स बिकम अ ट्री, अ प्लांट्स becomes a tree. Now सी पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसको हम MCQ बोलते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, अ बॉयज ग्रोज इंटू अ मैन वोमैन, नन ऑफ दिस। तो आप बता ही सकते हो बॉय ग्रोज इंटू अ मैन, तो राइट आंसर है मैन, तो मैन के ऊपर आप टिक करोगे बेटा। सेकेंड, अ प्लांट बिकम अ रूट स्टेम ट्री, तो प्लांट किस में चेंज होता है ग्रो होने के बाद, ट्री में, तो राइट आंसर ट्री। नाउ डी पार्ट, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, ट्रू एंड फॉल्स है हमारे पास। फर्स्ट है, आफ्टर 4 ईयर्स यू विल आउट ग्रो योर क्लोथिस, क्या आप अपने 4 साल के बाद आप अपने कपड़ों से, अपने क्लोथ से बड़े हो जाओगे। ऑफकोर्स बेटा, आप अब से पहले 4 साल पहले अपने जो क्लोथ उठाओगे देखोगे वो आपके छोटे पड़ जाएंगे, मतलब क्या आप बड़े हो रहे हो, इसका मतलब ये आंसर राइट है, तो इसका आंसर ट्रू। सेकेंड, अ गर्ल ग्रोज इंटू अ मैन, नो, अ गर्ल्स ग्रो इंटू अ वोमेन, सो आंसर इज फॉल्स, इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, तो आप एफ राइट कर सकते हो यहाँ पे। नाउ थर्ड इज, अ बॉय ग्रोज इंटू अ मैन, अ बॉय ग्रोज इंटू अ मैन, यस, इसका आंसर ट्रू। फोर्थ, यू लर्न न्यू थिंग्स एज यू ग्रो अप, अगर आप कोई न्यू थिंग्स लर्न करते हो, कोई नई से नई चीज़ सीखते हो, तो वो भी अपने आप में क्या हो रहा है, वो भी ग्रो हो रहा है, तो इसका आंसर है ट्रू, यस, ऑफ कोर्स आप उसमें भी ग्रो कर रहे हो, अगर कोई न्यू थिंग्स सीख रहे हो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने पिक्चर को ध्यान से देखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट, The boy is dash but the girl is dash, तो देखो इसको, फर्स्ट है short tall, the boy is tall but the girl is short, boy tall है girl short है,
द प्लांट इज डैश बट द ट्री इज डैश. तो प्लांट देखो, प्लांट क्या है? शॉर्ट. ट्री क्या है? टॉल. द प्लांट इज शॉर्ट बट द ट्री इज टॉल. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स अ मैन लुक्स लाइक एन ओल्ड मैन बॉय. तो कुछ टाइम बाद अ मैन किस में चेंज हो जाता है? मैन किस में चेंज होता है? बॉय में चेंज होता है या ओल्ड मैन में? ओल्ड मैन में. इसका आंसर आएगा ओल्ड मैन. इसी से लास्ट में हमें एक्टिविटी दी गई है, हम एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर. आपको करेक्ट ऑर्डर में एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. जैसे ट्री, बेबी प्लांट, प्लांट. सबसे पहले आप देखते हो कि हम सीड को जब उगाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? बेबी प्लांट. तो इस पे वन, उसके बाद क्या बनता है? प्लांट. प्लांट के बाद क्या बनता है? ट्री. वन टू थ्री. हम इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे, वन पे कौन आएगा? बेबी प्लांट. टू पे प्लांट एंड थ्री पे ट्री. सेम ओल्ड मैन बॉय मैन. तो सबसे पहले कौन आएगा फर्स्ट पोजीशन पे? मैन, सॉरी बॉय, फिर मैन, लास्ट वन इज ओल्ड मैन. ओके, तो सबसे फर्स्ट में बेबी होता है, फिर उसके बाद बॉय, बॉय के बाद कौन? अ बॉय ग्रोज इनटू अ मैन एंड लास्ट वन इज ओल्ड मैन. आई होप नाउ चैप्टर इज कम्प्लीट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंकिंग यू एंड हैव अ नाइस.